भाइयों, ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया जो बार बार यात्रा पे निकल पड़ती है? ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। और इस सवाल का जवाब यह है कि 4 साल पहले इस कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए राजस्थान की जनता से, 3500 रुपए हर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, सारे किसानों का कर्जा चाहे वो राष्ट्रीय बैंकों का हो, सहकारी बैंकों का हो, प्राइवेट बैंकों का हो, सब ऋण माफ कर देंगे। और ये घोषणा किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं की, इनका शीर्ष नेता जो हाथ भारत जोड़ने में लगा हुआ है उसने ये घोषणा राजस्थान में की थी। क्या ये घोषणा पूरी की भाई लोगों की? किसानों का कर्जा माफ हुआ? बेरोजगारी भत्ता मिला? इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था कि हम बिजली की दरें 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे। 27 महीने तक इन्होंने जो वसुंधरा सरकार ने 850 रुपए की गुरुजी छूट थी ना, 850 की थी ना, 833 रुपए की जो छूट थी उसको 27 महीने तक किसानों की छूट को बंद रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे किसान मोर्चा को कि जगह जगह आवाज उठाई, इस सरकार को विवश होना पड़ा और वो 833 रुपए की वापस लेनी पड़ी, उसकी जगह 1000 करना पड़ा। लेकिन इतना ही नहीं, 1000 किया लेकिन इन्होंने बोला कि 1 रुपया बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। भाई लोगों, 9-9 बार इन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया है। ये जन आक्रोश यात्रा इसलिए निकल रही कि सरकार ने जो वादे किए एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी। इतना ही नहीं, इन्होंने सांप्रदायिकता का जहर, एक तुष्टिकरण की नीति, एक समाज के वर्ग एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजगढ़ में रात को मंदिर तोड़ा जाता है और हमारे गुरुजी हर सभा में बोलते हैं कन्हैयालाल टेलर, जिसकी सरेआम उदयपुर में गला काट के हत्या कर दी जाती है, जोधपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है वहां पे नारे लगते हैं सर तन से जुदा होगा, ये छूट एक वर्ग विशेष को इस कांग्रेस की सरकार ने दे रखी है। क्या ये छूट एक वर्ग विशेष को मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसलिए भाइयों, ये जन आक्रोश यात्रा निकल रही है कि 2023 का चुनाव आने वाला है, इस सरकार को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में स्थापित करे। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।